किसी रोमांचक फिक्शन फिल्म सरीखे इस नज़ारे को अपनी कल्पनाओं में आकार लेने दीजिए। भव्य हिमालय की बर्फीली वादियों से घिरे मखमली घास के खूबसूरत मैदानों के बीच बेतरतीब भूगोल को नापती आती कोई पगडंडी और यहाँ फैली अनहद शांति को तोड़ती उस पगडंडी में भागते सफेद घोड़ों के पदचापों की गूंज, बेदनी बुग्याल की सर्द हवाओं को चीरता हुआ घुड़सवारों का एक दल अब पातर नचियोनी से होता हुआ भगवा बासा को पार कर चुका था, त्रिशूल और नंदा घुट्टी की ऊंची हिमालय चोटियां अपनी सल्तनत में दाखिल हुए इन घुड़सवारों पर लगातार निगाहें बनाई हुई थी। इन घुड़सवारों के हिस्से अब एक चढ़ाई आनी थी जिसके पारो सीधे इन दोनों विशाल पर्वत के आगोश में लेटी उस घाटी में होते जो उनके इस सफर की मंजिल थी। उनके दाहिनी तरफ था 7,120 मीटर ऊंचा भव्य त्रिशूल पर्वत और बाई तरफ थी 6,309 मीटर ऊंची नंदा घुट्टी। लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही इस चढ़ाई के दूसरे छोर पर इन घुड़सवारों की मुलाकात एक ऐसी खामोश झील से हुई जहां सैकड़ों इंसानी लाशें और नरकंकाल बिखरे हुए थे। हिमालय की सर्द फिजाओं में लेटी एक खामोश झील और उसकी बर्फ के पिघल जाने से बाहर उभर आई उसमें बिखरी लाशें और नरकंकाल। ये कोई फिल्मी नजारा नहीं बल्कि 2 अगस्त 1942 के दिन जीते जागते इंसानों के सामने दिल दहला देने वाली हकीकत थी। रहस्य और रोमांच से भरी इसी झील की कहानी के साथ पेश है हुआ यूं था का अगला एपिसोड, रहस्यों का रूपकुंड, और मैं हूं प्रगति। उस वक्त हिंदुस्तान ब्रिटानिया हुकूमत के मातहत था और उपनिवेशवाद की तमाम बुराइयों के बावजूद साइंटिफिक और डिसिप्लिन तरीके से नॉलेज एक्सप्लोरेशन के ब्रिटिश कल्चर ने कई भारतीय विद्वानों को बेहद आकर्षित किया था। वो चाहे दुर्गम हिमालय की बेतरतीब चढ़ाइयों को नक्शे में दर्ज करने का जटिल काम हो या फिर यहाँ के फ्लोरा फौना को डॉक्यूमेंट करने की जिद, इन सब में ब्रिटिशर्स के प्रयासों को भारतीय विद्वानों ने काफी मदद की। इनमें से कई एक्सप्लोरर ब्रिटिश कालीन फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी थे। अगस्त 1942 में त्रिशूल पर्वत की तरफ बढ़ रहे घुड़सवारों के इस दल का नेतृत्व भी एक ऐसा ही फॉरेस्ट ऑफिसर कर रहा था जो उस वक्त किसी उच्च हिमालयी के रेयर पौधे की तलाश में था। इस फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन मदवाल के जिम्मे उस जमाने में हिमालयी जंगल का तकरीबन वो हिस्सा था जिसे आज हम नंदा देवी नेशनल पार्क की तरह जानते हैं। वो उत्तरी गढ़वाल वन प्रभाग के पिंडर रेंज के फॉरेस्ट रेंजर थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पौड़ी गढ़वाल के पिंडर रेंज ऑफिस में घुड़सवारों के इस दल की तेजी से आमद हुई। सैकड़ों किलोमीटर्स की एक जटिल यात्रा की थकान के बावजूद भी आराम करने का ख्याल रेंजर हरिकिशन मदवाल के दिमाग में नहीं था और जो नजारा वो देखकर आ रहे थे उसके बाद से वो एक जबरदस्त बेचैनी और गहरी उथल पुथल से भरे हुए थे। कई सवाल उनके जहन में गूंज रहे थे जो आने वाले अगले कई दशकों तक एक अबूझ रहस्यमय पहेली बनकर तैरते रहे। मसलन उस बर्फीली झील में इतने सारे नरकंकाल और लाशें कहां से आ पहुंचे, ये नरकंकाल और लाशें आखिर किसकी थी और बर्फ की सर्द कब्रगाह में ये कब से यहां पर थी और इनके बारे में किसी को भी अब तक क्यों कुछ नहीं मालूम था। इनमें से कई के जवाब अब तक भी पुख्ता तौर पर नहीं मालूम। मदवाल ने खुद को किसी भी दूसरी चीज में मशगूल करने से पहले सीधे अपने टेबल कुर्सी का रुख किया और बारीक नोक वाली अपनी कलम को दवात में डुबोकर एक साधे से कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। दरअसल उस वक्त के डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ गढ़वाल आरवी वर्नेट के नाम इस साधे कागज में लिखे जा रहे खत में एक इतिहास लिखा जा रहा था। इस कागज में दुनिया की सबसे रहस्यमय नरकंकालों वाली झील रूपकुंड के बारे में मानव इतिहास में पहली बार कुछ लिखा जा रहा था। बाद के समय में रूपकुंड के रहस्यों को खगालने के लिए शुरुआती शोध करने वाले दल के प्रमुख मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीएन मजुमदार ने अपने एक आलेख में आरवी वर्नेट के साथ लंदन की एक मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है, आरवी वर्नेट
जो बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज में आ गए थे और आजकल ऑक्सफोर्ड के सेंट पीटर्स हॉल के बर्सर हैं। उन्होंने मुझे लंदन में बताया कि 1941 से 1946 तक वे गढ़वाल के डेप्यूटी कमिश्नर थे और 1942 में उन्हें रूपकुंड के अस्थि ढेर की सूचना मिली थी। इसकी छानबीन करने के लिए उपयुक्त अवसर न होने से उन्होंने केवल सूचना देने वाले के यानी एच के मधवाल के वक्तव्य लिखा लिए थे। हालांकि रेंजर एच के मधवाल का लिखा वो पत्र और उसके बाद उनके दर्ज किए गए वक्तव्य ही वो पहले लिखे दस्तावेज थे जिसमें रहस्यमयी रूपकुंड का जिक्र दर्ज हुआ। बाद में 6 मार्च 1956 के दिन ऑल इंडिया रेडियो के कई प्रसारण केंद्रों से रेंजर एच के मधवाल का एक बयान ब्रॉडकास्ट हुआ। इसमें उन्होंने 2 अगस्त 1942 के उस दिन का अपना अनुभव साझा किया जिस दिन वो पहली बार रूपकुंड की रहस्यमयी झील पहुंचे थे। सुने उनके बयान का ये हिस्सा। दूर से देखने पर जो एक चढ़ाई का छोर नजर आता था, असल में वो एक छोटी झील का बाहरी किनारा था। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे तो हमें झील में मटमैला पानी दिखाई दे रहा था और जब हम सच में इस झील के किनारे पहुंच गए तो हमारा सामना एक भयानक नज़ारे से हुआ जिसने हमारी सांसें रोक दी। पूरा इलाका इंसानी लाशों से अटा पड़ा था। फूले हुए रबड़ जैसा मांस अधिकतर शवों से चिपका हुआ था। उनके मुस्कुराते से दिखते चेहरों ने इस नज़ारे को और भी भयानक बना दिया। इस भयानक जगह पहुंचकर हमारे पोर्टर्स को लगा कि वे किसी भूताह जगह पर आ गए हैं और वे भाग गए। हालांकि मेरे असिस्टेंट लक्ष्मण सिंह और मैं लाशों और झील को कुछ नज़दीक से देखने के लिए वहीं रुके रहे। हमने देखा कि वे लाशें असामान्य तौर पर काफ़ी बड़ी थी। चमड़े की चप्पलें जो हमें यहाँ वहाँ मलबे में पड़ी मिली वे बड़े आकार की थी और ऐसी थी जो कि आम तौर पर उत्तर प्रदेश में नहीं देखी जाती थी। मलबे में लकड़ी के बर्तनों के टुकड़े, देशी छाते और बांस की छड़े भी दबी हुई थी। इनमें से अधिकांश मानव अवशेष आशंक रूप से झील में बजरी और गाद के बीच दबे हुए थे। रूपकुंड के इन शवों और कंकालों ने रेंजर मधवाल के जरिए दुनिया के सामने आकर कुछ रहस्यमयी पहेलियां सुलझाने के लिए छोड़ दी। जो शुरुआती अनुमान इनके बारे में लगाए जा सकते थे उनके मुताबिक क्या रूपकुंड के मृतक किसी सेना का हिस्सा थे जो वहां प्राकृतिक त्रासदी का शिकार हो गए थे? क्या वो तीर्थयात्री थे जो कि नंदा देवी के दर्शन के लिए उच्च हिमालय की तरफ यात्रा कर रहे थे? या फिर क्या कोई ऐसी परंपरा थी जिसके चलते ऋषि मुनियों या श्रद्धालुओं ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इतनी बड़ी संख्या में रूपकुंड में आत्महत्याएं की थी? क्या वो तिब्बत की तरफ जाने वाले कोई व्यापारियों का दल था जो कि भटक गया और आखिरकार यहां आकर प्राकृतिक त्रासदी का शिकार हुआ? या फिर क्या किसी महामारी ने इन सबको यहाँ अपनी चपेट में ले लिया था? रूपकुंड के इस रहस्य की खोज से पहले कई माउंटेनियर्स त्रिशूल पर्वत फतेह कर चुके थे जिनमें सितंबर 1905 में त्रिशूल पर्वत की पहली चोटी की पहली बार चढ़ाई करने वाले टीजी लॉन्गस्टाफ भी शामिल थे। उन्होंने ये चढ़ाई त्रिशूल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से की थी। बाद में जून 1907 में लॉन्गस्टाफ ने अपने कुछ साथियों के साथ एक बार फिर से उत्तर पूर्वी हिस्से से त्रिशूल की पहली चोटी की चढ़ाई की। अपने संस्मरणों में उन्होंने इन दोनों ही एक्सपेडिशन और इस इलाके का विस्तार के साथ जिक्र किया है, लेकिन इंसानी कंकालों वाले रूपकुंड का इसमें कोई जिक्र नहीं मिलता, जबकि अपनी दूसरी यात्रा में वो इसके करीब से जरूर गुजरे होंगे। हो सकता है कि साल के अधिकतम समय बर्फ से ढके रहने वाले रूपकुंड का रहस्य उस समय भी बर्फ की आगोश में छिपा रहा हो। बहरहाल इससे पहले के भी किसी ज्ञात लिखित दस्तावेज में रूपकुंड और उसके रहस्य का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि बर्फीले हिमालय के प्राकृतिक नो मैन्स लैंड की तरफ यहां बसे समाज की जिज्ञासाओं ने भी कई यात्राएं की है जिनमें से अधिकतर सामूहिक यात्राएं या फिर जात रही है और उनका मकसद धर्म और आध्यात्म का एक्सप्लोरेशन रहा। इनमें सबसे बड़ी जात इसी इलाके में होने वाली नंदा देवी राज जात मानी जाती है। स्थानीय लोक स्मृतियों में इन्हीं यात्राओं के अनुभवों से उपजे कुछ लोकगीतों में जरूर इस नरकंकाल वाली झील से जुड़ती एक कहानी के बारे में कुछ सुनाई देता है। अपने शोध के दौरान ही डीएन मजुमदार ने इस इलाके के कई बुजुर्गों से मुलाकात कर उन लोकगीतों में दर्ज रूपकुंड की कहानी को जानने की कोशिश की है। वो लिखते हैं, जन साधारण को वे दंत कथाएं या उनके विस्तृत विवरण याद नहीं है जिन्हें हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। ये कथाएं विभिन्न गांवों से ऐसे वृद्ध पुरुषों से एकत्र की गई हैं जिनकी स्मरण शक्ति स्वयं धूमिल हो चली है। कभी कभी कुछ उत्साही व्यक्ति अपनी कल्पना के सहारे इन कथाओं की सृष्टि कर डालते हैं।
कुछ लोगों का विचार है कि रूपकुंड के अस्थि ढेर से इन दंत कथाओं का कोई संबंध नहीं है। इनमें जिस दुर्घटना का उल्लेख हुआ है वह पहले हुई और कालांतर में उसको लेकर ये कथाएं रची गई, अथवा ये कथाएं पहले से प्रचलित थीं और बाद में रूपकुंड की कहानी उनसे जोड़ दी गई। एंथ्रोपोलॉजिस्ट डी एन मजुमदार ने लोकगीतों के आधार पर सबसे अधिक प्रचलित जिस कथा को दर्ज किया है उसे संक्षेप में हम आपको सुनाते चले। कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के राजा जसधवल और उसके राज्य पर देवी भगवती का कोप था। अच्छा धान बोने पर शोला उगता। लोग जब अच्छे गेहूं की उपज की आस लगाए बैठे थे, खेतों में गोबर पैदा हुई। चने की फसल जब लोग काटने गए तो उन्हें केवल काले सूखे छिलके मिले। जौ के खेतों में घास पतवार का साम्राज्य हो गया। गायें पणवों यानी भैंस के बच्चों को जन्म देती और भैंसे बछड़ों को। इसी तरह भेड़ों से बकरी के मेमने पैदा होते और बकरियों से भेड़ों के बच्चे। मनुष्य की संतानें भी लुंज पुंज शरीर लेकर धरती पर आती। जल रक्तिम वर्ण का हो गया। देवी के कोप से सारे लोग हर प्रकार से संतप्त थे। ऐसे में कन्नौज के राजा जसधवल और उनके दरबारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये आपदा उनके राज्य में इसलिए आई है क्योंकि सुदूर हिमालयी पर्वतों में वास करने वाली देवी भगवती यानी भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती के दर्शन के लिए लंबे समय से कोई तीर्थ यात्रा नहीं की गई है। निर्णय लिया गया कि तुरंत तीर्थ यात्रा के लिए निकलना होगा। प्रजा के परामर्श से राजा ने भोजपत्र के छत्र निर्मित करने की आज्ञा दी। लोगों में अपूर्व उत्साह था। राजा की आज्ञा से उन्होंने नए परिधान बनवाए और सारे गंदे वस्त्रों को स्वच्छ किया। भोज के छत्र भी तैयार हो गए। सभी तैयारियां समाप्त होने पर राजा जसधवल, उसकी गर्भवती पत्नी रानी बलम्पा, जिन्हें रानी बलपा भी कहा गया है, राज परिवार के दूसरे करीबी और कुछ सेवक हिमालयी तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। वहां से वे हल्द्वानी, सोमेश्वर, बैजनाथ, ग्वालदम, लोहाजंग होते हुए बेदनी पहुंचे। बेदनी में उन्होंने कुछ दिन ठहरकर देवी भगवती के मंदिर में पूजा की और बलि दी। कहते हैं राजा सारे साजो सामान के साथ ही नर्तकियों की एक टोली को भी अपने मनोरंजन के लिए साथ लेकर गया था। बेदनी बुग्याल से ऊपर जहां आज पात्रन चोणी है, वहां तंबू गाड़ राजा ने पात्रों यानी नर्तकियों के नृत्य का आयोजन किया। जब इसकी खबर देवी भगवती को पहुंची तो वे अपने शांत और मनोहारी रहवास में राजा के इस ओछे आयोजन से नाराज हुई। उसके बाद वहां से राजा का जत्था गिंगटोली पहुंचा, जहां रानी बलम्पा को प्रसव पीड़ा हुई और यात्रा को रुकना पड़ा। लोकगीतों के अनुसार घने बादल छा गए, कोहरा चारों ओर फैल गया और शीघ्र ही गिंगटोली अंधकार में डूब गया। बगुबाशा के नजदीक एक चट्टान के आश्रय में बलम्पा रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस जगह को बलपा सुलेड़ा के नाम से जाना जाता है। सुलेड़ा यानी प्रसूति गृह। बलपा सुलेड़ा यानी बलपा रानी का प्रसूति गृह। इसके बाद जब देवी भगवती को अपने वास स्थान के अंदर हुए प्रसव का समाचार मिला तो वो क्रोधित हुई। उनके एक सेवक देव सिंह ने उन्हें आकर कहा, माता तुम्हारा कैलास अपवित्र हो गया है। देवी ने अपने सेवक हंस को पता लगाने के लिए भेजा कि वे लोग कौन थे जिन्होंने उनके पवित्र स्थान को नर्तकियों का नृत्य और रानी का प्रसव करा अपवित्र कर दिया था। हंस ने सारी सूचना लाकर देवी को दी। क्रोधित देवी ने अपने विश्वासपात्र अंगरक्षक लाटू को कन्नौज के राजा और रानी पर पत्थर बरसाने के आदेश दिए, लेकिन लाटू ने ये कहकर इनकार कर दिया, राजा और उसका दल आपकी अतिथि हैं, उनका उचित सत्कार करना चाहिए। लेकिन क्रोधित देवी भगवती ने एक ना सुनी और लाटू को कई तरह के लालच देकर उन्होंने उसे राजा पर कहर ढाने के लिए मना लिया। लोकगीत कहते हैं, काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और सर्वत्र घोर तिमिर छा गया। वर्षा, मेघ ध्वनि और हिमपात ने मिलकर प्रलय ढा दिया। ऊपर से लाटू ने पत्थर और लोहे के टुकड़े बरसाना शुरू कर दिया।
जो भी रूपकुंड पहुंचा वो इस प्रलय का शिकार हुआ और नीचे गिंगटोली की नदियों में बाढ़ आ गई। बलपा सुलेड़ा जहां रानी ने शिशु को जन्म दिया था बह गया। बाद में कुंभागढ़ में ग्वालों को बलपा रानी की अस्थियां मिली। लोकगीत के मुताबिक राजा रानी और उनसे जुड़ा हर व्यक्ति इस प्रलय का शिकार हुआ। महज यतियों को छोड़ दिया गया जो कि देवी का आदेश था। हालांकि लोक साहित्य में रूपकुंड के नरकंकालों की रहस्य कथा का जिक्र तो मिलता है, लेकिन इन कहानियों में कल्पनाओं का पुट ज्यादा है और ये कहानियां साइंटिफिक अप्रोच और एविडेंसेस के साथ उस निश्चित इतिहास को नहीं बतलाती जो रूपकुंड से जुड़ी पहेलियों का सटीक जवाब देता हो। बहरहाल डीएन मजुमदार की राय है कि फॉरेस्ट रेंजर एचके मधवाल की रूपकुंड की खोज का महत्व ये है कि पहली बार एक अंधविश्वास रहित और जिज्ञासु शिक्षित व्यक्ति ने रूपकुंड की दुर्घटना की वास्तविकता को प्रत्यक्ष रूप से समझने की कोशिश की। हालांकि मधवाल रूपकुंड की रहस्यमय झील के बारे में ब्रिटिश अधिकारियों को बता चुके थे, लेकिन बावजूद इसके उसे लेकर कोई वैज्ञानिक शोध नहीं किया गया और भारत की आजादी के बाद 1955 तक भी रूपकुंड के अस्थि ढेर पर कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई। मजुमदार लिखते हैं, रूपकुंड के अस्थि ढेर के बारे में अफवाहें थी और इन अस्थियों के असाधारण आकार के चलते स्थानीय जन किंवदंतियों और गप्पों में रुचि रखते हुए भी अत्यधिक अंधविश्वासी होने के कारण इन अस्थियों का उल्लेख भी नहीं करते थे। इधर अनूठे रूपकुंड के रहस्य को जानने की बेचैनी रेंजर एच के मधवाल के भीतर बरकरार रही। 1955 में मधवाल ने उस वक्त के वन विभाग के उपमंत्री जगमोहन सिंह नेगी, जो कि गढ़वाल से थे, इस रहस्य में कुंड के बारे में बताया। जगमोहन सिंह नेगी की स्थानीय इतिहास में गहरी रुचि थी, इसलिए जब उन्हें रूपकुंड के बारे में पता चला तो वो खुद रूपकुंड के सबसे करीबी और इस इलाके के आखिरी गांव वान गए। वहां उन्होंने लोक साहित्य का संग्रह किया और रूपकुंड और उसके अस्थि ढेर के बारे में एक विवरण प्रकाशित किया। अपने अध्ययन के आधार पर नेगी ने अनुमान लगाया कि रूपकुंड के नरकंकाल जम्मू के डोगरा राजपूतों के सेनापति और हिंदुस्तान का नेपोलियन कहे जाने वाले जोरावर सिंह कहलूरिया के सैनिकों के कंकाल थे। नेगी का अनुमान था कि जब डोगरा तिब्बत युद्ध के दौरान टोयो की लड़ाई में 12 दिसंबर 1841 को जोरावर सिंह की मौत हुई तो उनके कुछ सैनिक भागते हुए इसी रास्ते से वापस आए होंगे और यहाँ किसी प्राकृतिक दुर्घटना का शिकार हो गए होंगे। इस अनुमान का आधार ये भी था कि रूपकुंड में मौजूद लाशों और अस्थि ढेर के मुताबिक इन मृत इंसानों की औसत लंबाई स्थानीय लोगों के लंबाई से काफी अधिक थी। बहरहाल इस अध्ययन के बाहर आते ही अखबारों ने इसे हाथों हाथ ले लिया और हिमालय की शांत वादियों में पसरा रूपकुंड देश भर में चर्चाओं का विषय बन गया। इसकी चर्चा न सिर्फ देश भर में हुई बल्कि विदेशों में भी इसने लोगों की जिज्ञासाओं को बढ़ा दिया। समाचार एजेंसी राइटर्स और अखबार स्टेटमेंट्स ने अपने पत्रकारों को इस कुंड के रहस्य की पड़ताल के लिए भेजा। ये रिपोर्टर्स फॉरेस्ट रेंजर एच के मधवाल को तलाश कर उनके साथ ही 1955 में रूपकुंड पहुंचे। राइटर्स स्टेटमेंट्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस जॉइंट एक्सपेडिशन में जब एच के मधवाल इस दल के साथ दूसरी बार रूपकुंड पहुंचे तो नजारा पिछली बार से बिल्कुल अलग था। कोई भी पूरी लाश वहां नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि लाशों के शत विक्षत टुकड़े और कंकाल पूरे इलाके में बिखरे हुए थे। पहले पहल रूपकुंड में स्पॉट किए गए शव और कंकाल झील के उत्तर पूर्वी हिस्से में ही दिखाई दिए थे। स्टेट्समैन के पत्रकार महेश चंद्र 26 सितंबर 1955 के अपने डिस्पैच में लिखते हैं, इस बात पर यकीन करने के कई कारण हैं कि रूपकुंड क्षेत्र में बर्फ की स्थिति में काफी बदलाव आया है और पहले अधिकतम समय बर्फ में ढकी रहने वाली ये लाशें इस दौरान काफी समय के लिए खुले वातावरण में एक्सपोज रही हैं। हमने ये देखा कि बाद में ऊपर की ओर से झील में कई ताजे बोल्डर्स गिरते हुए आए हैं जिनसे वहां बिखरे शव क्षत विक्षत हो गए। इसके अलावा महेश चंद्र ने अपने रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है। अपनी इसी यात्रा में उनकी मुलाकात मुंडोली गांव के एक एक्स सर्विसमैन रूप सिंह से हुई, जिनका दावा था कि उन्होंने 26 साल पहले एक जात में हिस्सा लिया था। संभव है कि वो 1925 की नंदा राज जात का जिक्र कर रहे थे। वहां उन्होंने और उनके एक साथी ने पहाड़ी ढलानों के नीचे बर्फ में दबे शवों को इधर उधर बिखरे देखा था। उनके महज कुछ ही अंग बाहर निकले हुए थे।
पत्रकारों और फॉरेस्ट के अधिकारियों का ये दल वापसी में अपने साथ वहां बिखरी कुछ खोपड़ियां, जबड़े, लंबी लंबी अस्थियां, चमड़े की चप्पलें, कुछ मनके और चूड़ियां लेते हुए आया। इन चीजों को अध्ययन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के ह्यूमन साइंस डिपार्टमेंट को दे दिया गया। अब रूपकुंड का रहस्य पूरी दुनिया के सामने एक रोमांचक पहेली बन चुका था। आम लोगों के साथ ही वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को भी ये पहेली बेसब्री से आकर्षित कर रही थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने कुछ वैज्ञानिकों का एक खोजी दल बनाया और उसका खर्च उठाने का प्रस्ताव एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लखनऊ यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीएन मजुमदार के सामने रखा। इसके बाद मई 1956 में पहली बार 10 वैज्ञानिकों का एक दल रूपकुंड के रहस्य से पर्दा उठाने के मकसद से त्रिशूल पर्वत की तलहटी में तकरीबन 4,536 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद रूपकुंड की तरफ रवाना हुआ। इस दल में देश भर के अलग अलग इलाकों से एनाटॉमी, जियोलॉजी, प्रीहिस्ट्री, जूलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, मेडिकल, फिजिकल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के कई विशेषज्ञ शामिल थे। काबिल एक्सपर्ट्स की ये टीम प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद भी रूपकुंड तक जा तो पहुंची, लेकिन दुर्भाग्य से उनके हाथ कुछ भी महत्वपूर्ण चीज नहीं आई। दरअसल रूपकुंड पूरी तरह से कई फीट बर्फ में ढका हुआ था और इस एल्टीट्यूड में इतने बड़े क्षेत्र की खुदाई कर पाना संभव नहीं था। अभियान के लिए चुना गया मई का महीना बिल्कुल गलत साबित हुआ और टीम को खाली हाथ वापस लौटने का फैसला करना पड़ा। उसी साल सितंबर महीने में एक और दल डॉक्टर डीएन मजुमदार की लीडरशिप में फिर से रूपकुंड के लिए रवाना हुआ। हालांकि ये दल पिछले दल से छोटा था, लेकिन इस बार कामयाबी हाथ लगी। डॉक्टर मजुमदार अपने एक संस्मरण में लिखते हैं, हम झील पहुंचे, हमने अस्थियां और उपकरण खोद कर एकत्रित किए और हम वापस लौटे। हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में खोपड़ियां, अस्थियां, कई तरह के उपकरण, बालों के नमूने, कपड़े, गहने, बर्तन, तंबू के सामान, खूंटियां, कीले और चाकू के फल थे। कोई शस्त्र नहीं मिले। हमारे दल द्वारा रूपकुंड में लाई गई खोपड़ियां और अस्थियां संभवतः 60 से 70 व्यक्तियों की हैं। यद्यपि बिल्कुल ठीक संख्या बताना संभव नहीं है, क्योंकि इनमें से अधिकांश खोपड़ियां और अन्य अस्थियां अपूर्ण हैं। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति के समझे जाने वाले टुकड़े किसी अन्य व्यक्ति के नहीं हैं। रूपकुंड से लाई गई सामग्री और खास तौर से अस्थियां अब एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरने को तैयार थी जहां से उन सवालों के जवाब मिलने की गुंजाइश थी जो कि पिछले दिनों दुनिया भर में सबसे बड़े कौतूहल का विषय बन गए थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में अस्थियों और लाई गई दूसरी सामग्रियों का कई स्तर पर परीक्षण शुरू हुआ। कपड़े और चमड़े के टुकड़े विशेषज्ञों को भेजे गए। अस्थियों के गूदे और उनसे चिपटे हुए मांस के अध्ययन से ब्लड ग्रुप्स का पता किया गया, जानने के लिए कि वो चीजें एक ही लेवल से पाई गई है या नहीं। फ्लोरीन टेस्ट भी किया गया और खोपड़ियों का मेजरमेंट किया गया और उससे मिले हुए डेटा का विश्लेषण हुआ। बालों के क्रॉस सेक्शन टेस्ट हुए, दांतों और जबड़ों के एक्सरे किए गए और आखिर में रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए कुछ अस्थियों को मिशिगन यूनिवर्सिटी भेजा गया। सितंबर 1957 में एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मेजरमेंट डेटा, फोटोग्राफ्स, बालों के सैंपल्स, कपड़े और दूसरी सामग्रियों को यूरोप भेजा गया। कुल मिलाकर 1950 के दशक में जो भी उपलब्ध वैज्ञानिक तकनीकें थी उन सभी के मुताबिक सारे जरूरी प्रयोग किए गए। इस अध्ययन के दौरान पता चला कि रूपकुंड के हादसे का शिकार हुए लोगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। डॉक्टर मजुमदार अपने परीक्षणों के जरिए मूलतः इन निष्कर्षों पर पहुंचे। रेडियो कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये अस्थियां 650 साल पुरानी थी। इस समय अवधि में इधर या उधर 150 वर्षों का हेरफेर संभव है। खोपड़ियों और अस्थियों के नाप से पता चलता है कि रूपकुंड दुर्घटना के शिकार व्यक्ति एक समान प्रजातीय प्रकार के थे और वो पश्चिमोत्तर भारत, स्वात और हुंजा घाटी के लोगों से मिलते जुलते थे। अधिकांश हड्डियां स्थानीय लोग, भोटिया या गढ़वालियों में से किसी भी प्रकार की उत्पत्ति संबंधी समानता व्यक्त नहीं करती थी। कुछ खोपड़ियां जिनके पिछले भाग पर असाधारण रूप से उभरा क्रेस्ट था वो शायद बोझ ढोने वालों की थी जो स्थानीय भोटिया हो सकते थे। कुछ लोगों की खोपड़ियों पर चोटें आई थी, लेकिन आघात लगने के बाद भी वो कुछ समय तक जीवित रहे होंगे। बालों के परीक्षण से पता चला है कि कुछ बाल कैंची से कटे हुए थे और संभव है कि पूजा में भेंट स्वरूप उन्हें झील में डाल दिया गया था।
फ्लोरीन टेस्ट, बालों की बनावट के फर्क, रिलेटिव डेंसिटी टेस्ट जैसे परीक्षणों के आधार पर ये संकेत मिला है कि सभी अस्थियां एक ही भूस्तर पर रहने वालों की नहीं है। ये संकेत इस बात में भी नजर आया कि कुछ अस्थियों में मास चिपका हुआ था और कुछ में अलग अलग मात्रा में इम्प्रेगनेशन हो चुका था। ऐसा माना गया है कि जिन अस्थियों में बहुत अधिक इम्प्रेगनेशन हो चुका था और जिनमें मास चिपका हुआ था उनके बीच कुछ समय का अंतर जरूर रहा होगा। डॉक्टर डीएन मजुमदार की लीडरशिप वाली टीम के इस अध्ययन ने रूपकुंड के कंकालों के बारे में लगाए जा रहे तब तक के ही दोनों अनुमानों को खारिज कर दिया था। इस अध्ययन के मुताबिक न ये कंकालों लाशें जोरावर सिंह की सेना से ताल्लुक रखती थी और न ही लोकगीतों में वर्णित कन्नौज के राजा जसधवल की तीर्थ यात्रा की कहानी से इसका ताल्लुक माना जाता था। रेडियो कार्बन डेटिंग ने बताया था कि ये अस्थियां तकरीबन 650 साल पुरानी है, जबकि जोरावर सिंह की मृत्यु दिसंबर 1841 में हुई। अध्ययन के मुताबिक इन कंकालों का संबंध ऊपरी स्वात और हुंजा घाटी के रहवासियों से है, न कि कन्नौज के लोगों से। इसका तर्क ये था कि कंकालों की औसत ऊंचाई 5.7 फीट थी, जो कि उत्तर प्रदेश के मध्य इलाके में नहीं थी। ब्लड ग्रुप के अध्ययन में भी कन्नौज से संबंध न होने की बात सिद्ध की गई। एक तर्क ये भी माना गया कि तीर्थयात्री चप्पल पहनकर यात्रा नहीं करते। उधर मिले तंबुओं और उपकरणों के एंथ्रोपोलॉजिकल विश्लेषण से भी इन विशेषज्ञों ने तीर्थयात्री वाले मत को खारिज कर दिया। लेकिन यहाँ रूपकुंड के इस रहस्य से जुड़ी कई कहानियों में डॉक्टर मजुमदार ने एक नई कहानी की संभावना को जोड़ दिया। जैसा कि शोध का निष्कर्ष था कि ये कंकाल तकरीबन 6 से 650 साल पुराने हैं, यानी कि सन 1300 से 1350 ईस्वी के बीच के, और उस वक्त दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था। डॉक्टर मजुमदार एक नया अनुमान जाहिर करते हुए कहते हैं, 1325 से 1351 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सैन्य दल तिब्बत भेजा था और वो दल तिब्बत के रास्ते में मौजूद दर्रों में प्राकृतिक विपत्तियों में फंसकर समाप्त हो गया था। हो सकता है कि रूपकुंड के कंकाल प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए इन्हीं सैनिकों के हो। इस शोध से जुड़े अपने एक आलेख में अध्ययन के निष्कर्षों को अंतिम रूप देते हुए डॉक्टर मजुमदार लिखते हैं, मेरा विचार है कि जो अस्थियां हमें मिली हैं, वे उस अस्थि राशि का अंश मात्र है जो झील में बड़े पत्थरों के नीचे दबी पड़ी है। जब तक हम इन सभी अस्थियों को बाहर न निकालें, अंतिम रूप से कोई मत व्यक्त करना असंभव है। मजुमदार ने अपने निष्कर्ष में ये भी लिखा है, हम इस संभावना की भी अवहेलना नहीं कर सकते कि अस्थियां विभिन्न कालों की हैं। अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग दौर की अस्थियां पाई गई हैं, लेकिन हाल के मृत व्यक्तियों की अस्थियों ने प्राचीन काल की अस्थियों से मिलकर रूपकुंड के रहस्य को जन्म दिया है। हालांकि खुद शोधकर्ता बहुत निश्चित तौर पर रूपकुंड के रहस्य की सारी परतें खोल पाने में कामयाब नहीं हुए थे और पहेलियां अभी भी बरकरार थी, लेकिन क्योंकि पहली बार रूपकुंड की लाशें कुछ कहती सुनाई दी थी, इसलिए इस अध्ययन के निष्कर्षों को दुनिया भर में हाथों हाथ लिया गया। कई अखबारों पत्रिकाओं ने इस पर बड़े बड़े आलेख प्रकाशित किए और इस भूथा झील की कहानियों ने लोगों को रोमांच से भर दिया। इसके बाद भी सालों साल तक रूपकुंड के रहस्य पर कई शोध पत्र प्रकाशित होते रहे, जिनमें अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे। क्योंकि अब रूपकुंड को पूरी दुनिया जान चुकी थी, तो उसके बाद जब भी कोई धार्मिक यात्रा या पर्वतरोहियों का दल इस रूट से गुजरे, तो कंकालों के इस रहस्य में घर को देखने के रोमांच में उन्होंने यहाँ जरूर दस्तक दी। कई यात्री अपने साथ इन कंकालों के अवशेष लेकर भी गए, लेकिन इस विषय पर फिर कोई व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन अगले कई दशकों तक नहीं हुआ। रूपकुंड के रहस्य की गहराइयों में फिर से ये नरकंकाल खामोशी ओढ़कर सोए रहे। दशकों बाद 2003 में फिर से एक बार जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और प्रोफेसर विलियम सेक्स की लीडरशिप में एक और टीम रूपकुंड के रहस्य की व्यापक पड़ताल के लिए रूपकुंड पहुंची। इस बार इस टीम के पास एक्सपर्ट्स की एक बड़ी टीम थी और अध्ययन के लिए 1950 के दशक की तुलना में बेहद एडवांस तकनीकें भी। इस टीम ने रूपकुंड में क्या कुछ खोजा, वहां मिले अवशेषों का किन आधुनिक तकनीकों से अध्ययन किया गया, अध्ययन का क्या तरीका था और क्या निष्कर्ष रहे, और इस अध्ययन के निष्कर्षों में पिछले अध्ययन की तुलना में क्या फर्क था, इन सभी चीजों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी की अगली कड़ी में। अभी के लिए मुझे यानी प्रगति को दीजिए इजाजत। बारहमासा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
हम उत्तराखंड की हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट और एनवायरनमेंट के वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के इस सिलसिले को बरकरार रख पाए, इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपको यहाँ एक ज्वाइन बटन दिखाई देगा, उसे क्लिक कर आप हमें अपनी चॉइस के मुताबिक सब्सक्रिप्शन लेकर मदद कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल के साथ ही अब आप हमारे सारे कार्यक्रम हमारी वेबसाइट paramasar.in पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट में सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप अपने मुताबिक प्लान चूज कर पारामासा का समर्थन कर सकते हैं, ताकि हम लाते रहें पहाड़ से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां।